गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द चैनल प्रिया सिन्हा लाइफ स्टाइल। कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। मैं बहुत बढ़िया हूँ। और सुबह 6:12 हो रहे हैं, अभी उठ गई हूँ। किचन में जाते हैं, कुछ पानी वगैरह बनाते हैं। डायनासोरी है गले में। जो आज फ्राइडे है, आप लोगों को पता है मुझे हॉस्पिटल जाना है। अपने सारे रिपोर्ट्स वगैरह जो टेस्ट करवाए हैं इतने दिनों में, वो सब कंसल्ट करने हैं डॉक्टर के साथ। तो और पार्क इसलिए भी नहीं गई हूँ कि दीपक जी इज़ नॉट वेल। दिव्या और दीपक जी दोनों सो रहे हैं, तो उन्होंने कहा तुम आज बाहर एक्सरसाइज कर लो, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। तो 6:12 हो रहे हैं अभी। 10-15 मिनट में पानी वानी पीते हैं अपना गर्म करके, और उसके बाद आधे घंटे सिर्फ ब्रीथिंग एक्सरसाइज करते हैं, एंड देन तैयारी करते हैं हॉस्पिटल जाने की, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। जल्दी जाके नंबर वंबर लगवाना, पर्ची लगवाना, बहुत सारा काम होता है। तो लेट्स गो, वो करते हैं। पहले चलते हैं पानी गर्म करने और फिर पीते हैं। तो चलिए जी, आज मॉर्निंग ड्रिंक बहुत ही सिंपल होने वाला है। सिंपल सा अपना नींबू शहद का पानी। जब मेरे को कुछ समझ नहीं आता कि आज क्या पीऊँ, तो बस मैं नींबू शहद का पानी ले लेती हूँ, विच इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड वेट लॉस ड्रिंक। मैं रोज़ बदल बदल के लेती हूँ, जैसे कि आप लोग मेरा ब्लॉग्स देखते ही हो। मैं कभी कुछ लेती हूँ, कभी कुछ लेती हूँ, एंड विच इज़ गुड। रोज़ एक जैसे बॉडी को हैबिचुअल नहीं बनाना चाहिए, हमेशा अलग अलग चीज़ें लेती रहनी चाहिए, तो बॉडी को एक शौक सा लगता रहता है और चीज़ें अलग अलग अच्छी तरीके से काम करती हैं शरीर के ऊपर। तो बस कभी मैं नॉर्मल घी वाटर ले लेती हूँ, तो समटाइम्स लेमन वाटर। मेरे पास कॉफ़ी नहीं है, अदरवाइज़ मैं इसमें कॉफ़ी भी मिलाती। फ़िलहाल मैंने अपना नींबू पानी अच्छे से बना लिया है। आप चल के बैठते हैं और थोड़ा सा पीते हैं और आपसे बातें करते हैं। और एक और चीज़ आपको बताती हूँ, आप लापरवाही का नतीजा, लापरवाही नहीं, सुबह रात को मैं सारा काम रसोई समेट के फ्रिज में जो चीज़ रखनी होती है वो मैं सब शेल्फ पे रख देती हूँ। और जब दीपक जी दिव्या सब डिनर कर लेते हैं, तो मैं उनको बोल देती हूँ कि आप किचन में जो चीज़ रखी है वो फ्रिज में रख दो, और मैं चली जाती हूँ। क्योंकि मैं रात को इतनी थकी हुई होती हूँ कि किचन समेट के ही करने में मेरी हालत ख़राब हो जाती है, तो मैं रख के सामान चली जाती हूँ। मैं कहती हूँ जब आप खाना वाना हो जाए आप लोगों का, तो आप रख देना। दीपक जी को सब्जी क्योंकि रात में गर्म थी तो उन्होंने रखी नहीं, उन्होंने कहा थोड़ी देर में रख दूंगा, एंड इस तक करके सब्जी रह गई बाहर ही। अब क्या है, मैंने देखा तो सब्जी थोड़ी सी ठीक थी, तो मैंने उसको दोबारा से चढ़ा दिया गर्म होने के लिए, ख़राब नहीं हुई थी, तो मैंने इसको चढ़ा दिया गर्म होने के लिए, और फिर मैं आके बैठ गई अपना पानी पीने। और बताइए कैसे हो आप सब? गर्मी देखिए कितनी भयंकर बढ़ रही है। चलिए गाइस, आई एम रेडी नाउ, लेट्स गो हॉस्पिटल फर्स्ट, फिर आपसे मिलती हूँ। चलो अब यहाँ पर निकल गए हम अपने हॉस्पिटल के लिए। एक्चुअली मैंने आपको कहा था मैं एक्सरसाइज दिखाऊंगी, मैंने करी पर वीडियो क्लिप नहीं बनी। अब वो पता नहीं क्या हुआ, मैं क्लिपिंग ऑन तो की थी, पता नहीं क्या हुआ। चलिए पहुँच गए हॉस्पिटल। सुबह सुबह इतनी धूप, 9 भी नहीं बजे अभी, पता है रश देख लो सरकारी हॉस्पिटल में। लेट्स गो। गेट भी ओपन नहीं हुआ है, देखो गेट बंद कर रखा है, बट रश देखो आप। दिस इज कॉल्ड सरकारी हॉस्पिटल। अगेन दीपक जी गए हैं पर्ची लेने के लिए, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। हाय गाइस, सो हो गया सारा, सो हो गया गाइस, डॉक्टर से मिल लिए, लेट्स गो ऑफिस नाउ। रैपिडो बुक करी है मैंने, आ रही है। दीपक जी अपनी बाइक लेने गए हैं, चलते हैं ऑफिस। सब कुछ टाइम से हो गया तो ऑफिस भी टाइम से निकलते हैं। चले ले लिया मैंने ऑटो, दीपक जी निकल गए अब अपने ऑफिस। लेट्स गो नाउ, मिलवाना रह जाता है दीपक जी से आप लोगों को। एक्चुअली सुबह सुबह का रश होता है ना, उनको ऑफिस जाना है, मुझे ऑफिस जाना है, फटाफट ऑटो लेते हैं, बुक करते हैं, जाते हैं, भागते हैं, तो वो सुबह सुबह के रश में भूल जाती हूँ। मैं आपको उनसे मिलवाना, कोई ना शाम को मिलवा दूंगी। चलो अरे रुको रुको रुको, ये रहे, बाय बाय बाय।
तो देखो ये जा रहे हैं। अरे बात तो कर लो, बाय तो कर दो। सब नहीं जाऊंगी भूल के, बाय बाय। तो फाइनली मिलवा दिया, अब वो निकल गए अपने ऑफिस और हम निकलते हैं अपने ऑफिस। चलो सो फाइनली गाइज, मैं आ गई ऑफिस बिल्कुल अपने टाइम पर, शार्प एट 10 o'clock ऑफिस में हूँ। और खरबूजा लेकर आई हूँ फ्रूट्स में, नाश्ता कुछ करके नहीं आई थी, लंच लेकर नहीं आई थी। आज सुबह से हॉस्पिटल जाने की जल्दी में बस भागे थे, आपको दिखाया ना सरकारी हॉस्पिटल का हाल, और वहाँ पर बहुत लंबी लंबी लाइनें बनती हैं पर्ची बनाने के लिए और ये सब करने के लिए। बस जैसे तैसे काम करवा के हम आए हैं, अब पहुँच गई हूँ ऑफिस। घर में तो खाना सबका बना के रख कर आई थी, पर अपने लिए नहीं बनाकर, इन द सेंस कि रात को ही मैंने मटर पनीर, लास्ट ब्लॉक में आपने देखा मटर पनीर बनाया था तो वो रखा हुआ था, और आटा मल के आई थी कि मम्मी बाद में अपने रोटी सेक लेंगे और दिव्या के लिए सेक लेंगे, तो इतना करके आई थी। बाकी मैं और दीपक जी ने अभी कुछ सोचा नहीं है अब क्या खाएंगे। मैं सब फ्रूट्स कटवा लिया था मेरी मम्मी से कि आप काट दो, इनको भी दे दिए थे और मेरे को भी, तो हमने फ्रूट्स ले आए थे। तो क्या हुआ हॉस्पिटल में? हाँ जी, सारी रिपोर्ट्स मेरी नॉर्मल है, सब नॉर्मल है, सब अच्छे से है। अभी मेरी सिचुएशन भी, कंडीशन भी बेटर है, ब्रीथिंग इश्यूज थोड़े रिजॉल्व हैं, तो ज़्यादा बेटर कंडीशन है पहले से। बट मेरी शुगर थोड़ी बॉर्डर लाइन पर आई है, थोड़ी सी बढ़ी हुई है डॉक्टर के अकॉर्डिंग। एज पर डॉक्टर शी सेड कि हम ऐसे में मेडिसिन नहीं देते हैं, हम सिर्फ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कहते हैं पेशेंट को, कि इतना बड़ा हुआ नहीं है कि अगर आप थोड़ा परहेज करेंगे, लाइफस्टाइल को मॉडिफिकेशन करेंगे तो आपका ये जो शुगर है वो नॉर्मल आ जाएगी, क्योंकि बहुत ही नॉर्मल बॉर्डर लाइन पर मेरी शुगर है। बट फिर भी मुझे डॉक्टर ने मेडिसिन दे दी है, उन्होंने कहा क्योंकि आपका ओवर वेट हो आप, क्योंकि अगर आप कोई मतलब कोई पतला बनता होता और उसकी इतनी शुगर होती तो उनको मेडिसिन नहीं देते, क्योंकि वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से हम उनका ठीक करवा देते हैं, क्योंकि इसमें मेडिसिन की जरूरत नहीं होती। लेकिन आपका क्योंकि ओवर वेट हो आप तो शुगर बॉर्डर लाइन पर है, तो ये और शूट अप ना हो या और आगे ना जाए या आगे, तो हम इसको यहीं पर रोक देंगे, यहीं इसको ये सॉल्व कर देंगे। इसलिए मेरी एक मेडिसिन अभी शुगर की कंटिन्यू, पता नहीं कब तक खानी है, वो चली है। बट परेशान मत होना कि मुझे शुगर हो गई, शुगर नहीं हुई है, सिर्फ लिटिल बिट बॉर्डर लाइन पर आया है। तो एज पर डॉक्टर्स, क्योंकि मैं ओवर वेट हूँ तो थोड़ा सा मुझे मेडिकेशन दे दी है। उनके दीपक जी को भी उन्होंने यही बोला कि हम करवाते नहीं हैं इसको, मेडिसिन शुरू नहीं करवाते, सिर्फ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में ही ये चीज़ ठीक हो जाती, बट क्योंकि वेट ज़्यादा है तो कल को ये और ज़्यादा बढ़े ना, इसलिए हम इसको मेडिसिन दे रहे हैं। तो बस हाँ, एक मेडिसिन नई शुरू हुई है शुगर की, अदरवाइज ऑल गुड। मेडिसिन शुरू हुई है शुगर की और मैं खरबूजा खा रही हूँ। पर फ्रूट्स में नेचुरल स्वीटनर्स होते हैं तो ये वेट नहीं बढ़ाएगा या शुगर नहीं बढ़ाएगा। बाकी हाँ, थोड़ा परहेज करेंगे, वॉक वगैरह तो मैं ऑलरेडी कर ही रही हूँ। तो बस यही है मेरी रिसेंट अपडेट। मेडिसिन जो हैवी एंटीबायोटिक्स थी, फॉर गॉड ग्रेस आज खत्म हो गई है वो। नेबुलाइजर डॉक्टर ने बोला है कि बीच बीच वो SOS लिख देते हैं कि जब भी आपको जरूरत लगे, सांस फूले, तो आप नेबुलाइज कर लिया करो अपने आप को, सो दैट कि वो ब्रीथिंग इश्यूज वहीं रिसॉल्व हो जाएंगे आपके। बाकी जो हैवी एंटीबायोटिक्स थी ये सब अभी नहीं चल रही है, सब ठीक है। तो फिलहाल के लिए अब मैं ये ब्लॉग यहीं ओवर करती हूँ। मेरा मूड थोड़ा सा ना, मतलब ठीक है, मैं हंस रही हूँ, ठीक है सब कुछ, पर थोड़ा सा मूड खराब है। मुझे लगता है मुझे नजर लग जाती है, मैं बहुत स्ट्रांगली इस बात पे बिलीव करती हूँ। मैं लास्ट टाइम भी इस टॉपिक पे डिस्कस किया था, लेकिन मेरी ना एक नेचर है मेरा, मैं अपनी मन की भड़ास जब तक निकाल नहीं दूंगी ना, तब तक मेरा मन गुड़गुड़ गुड़गुड़ होता रहेगा। चाहे मेरे साथ अच्छी न्यूज हो, चाहे मेरे को बैड न्यूज हो, चाहे कोई मेरे से लड़ाई करी हो, चाहे मेरे पास कोई खुशी हो, मेरा होता है कि मैं निकाल दूं, मैं सामने वाले को बता दूं, आई फील हल्का, पता नहीं, चाहे वो खुशी की बात हो जाए, मैं नहीं छुपा सकती। मैं लिटरली
मेरे पेट में मैं वो लड़की हूँ जो कुछ नहीं रख सकती। लाइक मैं दूसरों की बात रख लूंगी, मतलब किसी ने मुझसे कुछ कहा मैं उसकी रख लूंगी, बट अपनी बात मैं नहीं रख सकती। मुझे ऐसा लगता है मैं कहीं घूमने जाने वाली हूँ पहले से पहले बता दूंगी, मैं कोई फंक्शन घर में करने वाली हूँ मैं पहले से पहले बता दूंगी। मतलब आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन जो सब कुछ पहले से पहले, लेकिन जो ये भी जानती है कि पहले से पहले नहीं बताना चाहिए क्योंकि वो काम नहीं होता, नजर लग जाती है इन चीजों। क्या करूं यार, ऐसा नेचर ही है मेरा। कोशिश कर रही हूँ सिर्फ बॉडी वेट पे नहीं, अपने नेचर के ऊपर भी काम करने की कोशिश कर रही हूँ। अब सोचती हूँ लोगों को जल्दी से कुछ नहीं बताया करूंगी, न खुशी न गम, कुछ बताने की किसी को जरूरत नहीं है। जितनी जरूरत है जब जरूरत है राइट टाइम पर ही बताया जाए तो अच्छा है, वरना ना ही बताया जाए तो। वेल, कौन कौन मेरे जैसा है प्लीज बताना मुझे। बहुत कोशिश करती हूँ यार अपने इस नेचर को ठीक करने की। किसी से लड़ाई हो जाएगी ना मेरी, मतलब बिल्कुल कट्टर वाली लड़ाई हो जाएगी, और मैं सोचूंगी अब मैं इस बंदे को देखूंगी नहीं, ये मर भी रहा होगा ना तो मैं इसको कुछ नहीं पूछूंगी। बट फिर मेरा नेचर जब ठीक हो जाएगा सिचुएशन, फिर मैं उसकी केयर करना शुरू कर दूंगी। फिर मैं मुझे गुस्से भी मुझे रहेगा, हाँ ये अपना नुकसान कर रहा है, इसको ऊपर टोको, देखिए कैसे दवाई खा रहा है, ये नुकसान करेगा। मतलब कितनी भी कट्टर लड़ाई हो, मैं फिर सामने वाले की, किसी ने मेरे साथ कैसा भी बिहेव किया हो, मैं थोड़ा सा फिर हो जाती हूँ नॉर्मल कि चल अब ठीक करूंगी इसका, छोड़ना चल हो गया इसका, ये देखिए इसको कुछ हो जाएगा तो फिर क्या होगा, इसकी केयर कर लेते हैं। पर ये हैबिट्स ना, बातें हाँ ये है कि मैं अपने साथ करा हुआ नहीं भूलती, चाहे जिसने जो जो किया है ना आज तक मेरी लाइफ में मेरे साथ, चाहे वो शादी से पहले हो चाहे वो शादी के बाद हो, एक एक चीज एक एक शब्द मुझे सब याद है, भूलती कुछ नहीं हूं मैं। बस ये है कि दिल शायद इतना बड़ा रखती हूँ कि हाँ सामने वाले को कहते हैं ना फिर भी कर देती हूँ माफ के, चल ठीक है नुकसान नहीं। मैं मेरे से कोई कितना भी लड़ ले, लेकिन आज भी मेरे घर में कितना भी झगड़ा हो जाए, कितना भी बड़ा झगड़ा हो जाए, ऑब्वियसली जहाँ बर्तन जहाँ दो लोग रहते हैं जहाँ हम लोग रहते हैं, कितना भी झगड़ा हो जाए घर में रहते हैं ना परिवार के बीच में रहते हैं तो कितना भी झगड़ा हो जाता है कई बार, बहुत बहुत बड़ा बड़ा झगड़ा हो स्टार्टिंग में जब शादी के तुरंत बाद की सिचुएशंस थी तो काफ़ी झगड़े हो जाते थे बड़े बड़े, लेकिन तब भी ऐसा नहीं हुआ कि चाहे मम्मी ने कहते हो मैं नहीं खाना खा रही मैं नहीं खाऊंगा, चाहे दीपक जी ने कहते हो मैं खाना नहीं खा रही, मैं खाए बिना नहीं सो सकती भाई, मैं को भूख लगती है, कोई झगड़ा हो रोना आए मुझे बहुत भूख लगती है। तो उस टाइम में ऐसा होता था छोड़ो यार जो भी बात हुई बात को खत्म करो और खाना खाओ, कितना भी बड़ा झगड़ा हुआ हो मैंने आज तक अपने परिवार को बिना खाना खिलाए नहीं सुलाया, ऐसा नहीं हुआ होगा किसी ने झगड़े में खाना छोड़ दिया हो, नहीं खाओ खाना, आप नहीं खाओगे हम भी नहीं खाएंगे खाओ। तो मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रही हूँ, जैसे अपना नेचर बता रही हूँ कि है, लेकिन सर इस नेचर के ना बहुत ज्यादा नुकसान है क्योंकि लोग ना फिर बहुत फायदा उठाते हैं, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है, बट इफ यू एग्री बताना आप में से किस किस का नेचर ऐसा है। मैं वो कट्टर दिल की नहीं हो पाती कि इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया ना आज के अंदर इसकी शक्ल भी नहीं देखूंगी, खाता है खाए नहीं खाता है नहीं खाए करता है जिए कैसे भी रहे, मैं वैसे ही नहीं बन पाती। एंड आई डोंट नो व्हाई मैं वैसे क्यों नहीं बन पाती, मैं सीरियसली अपनी दिल की बात आपसे शेयर कर रही हूँ। कुछ चीजें ना एक्चुअली याद आ जाती है तो मेरी भी भड़ास निकल जाती है। चलो फिलहाल मैं अपना खरबूजा ऑलवेज फिनिश करने पे हूँ तो फिनिश करके लगते हैं काम पर, फिर मिलती हूँ आपसे। अगर आफ्टरनून में कुछ खाया तो जरूर दिखाऊंगी, अगर नहीं खाया तो इट्स ओके, लंच डिनर करेंगे सीधे घर जाके। चलो गाइज अब ये जो टाइम है वो है इवनिंग का टाइम और मैं निकल चुकी हूँ ऑफिस, और आपको सच बताऊँ तो मेरे को पीरियड्स हो गए हैं, मेरा ये अब पीरियड्स का आप डे वन समझ लो क्योंकि आफ्टरनून से मुझे पीरियड शुरू हुए हैं और मेरी हालत बहुत ख़राब है, मेरा मन ऐसा हो रहा है जैसे मेरे को अभी वॉमिट हो जाएगी अभी हो जाएगी, बस इसीलिए अब मैं आपसे सीधे मिलती हूँ घर पहुँच कर और फिर आपसे बात करती हूँ।
वेलकम बैक गाइस, जस्ट रीच होम, टेकिंग रेस्ट। आज सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ यू। मैंने दोपहर में मंगाया खाना, छोले कुलचे, मतलब उसमें बॉइल्ड छोले होते हैं, और कुलचे जो मंगवाए वो सूजी के मंगाए, ना कि मैदा के। हमारे यहाँ सूजी के मिलते हैं, बट खाया ही नहीं गया। कार्ड भैया को दे दिया वापस, ऐसे काफ खा लो। खाया ही नहीं गया खाना, वॉमिट लगती है, वॉमिट फील। अब वो क्या मेरे सिम्टम्स हैं, खांसी जुकाम बुखार के, खांसी जुकाम सांस फूलना, तो वो मैंने अभी 4-5 दिन पहले जाके दवाई ले आई थी, तो उसने वो दबा दी, लेकिन ये एरिया ना ये दर्द कर रहा है, और फीलिंग वॉमिट, उल्टी हो जाती है। और फिर मंगाया मैंने, कहा चलो मैंगो शेक कुछ ठंडा पीती हूँ, मैंगो शेक। तो मुझे इतना पता है कि मैंने मैंगो शेक पिया हुआ है, दैट्स इट। आई नो बहुत सारे लोग पूछेंगे, एक तो आपको शुगर कंसीडर हुआ है, ऊपर से शुगर कंसीडर नहीं हुआ है, शुगर हुआ नहीं है। लाइक आई एम एन ओवरवेट पर्सन, सो मेरा हमेशा शुगर एक बॉर्डर लाइन पे आता है, तो जिसके लिए मुझे कुछ लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन और एक टैबलेट दिया, दवाई दी है टू कंट्रोल इट। धीरे धीरे चीज़ें परहेज हो जाएंगी। वन दिन अवाइल आपने कुछ चीज़ खा ली तो उसका कोई मना ही नहीं है। मैं शुगर बहुत कम लेती हूँ, 10 दिनों में मैंने शुगर इंटेक बहुत कम किया होगा अपने उसमें। बट यह है कि आपको जब होता है ना पीरियड्स में, आपका चॉकलेट खाने का मन करता है या ठंड ठंडे कुछ खाने का, तो मैंने कुछ शेक लिया। एंड नाउ इट्स 6 o'clock और मैंने अभी तक सिर्फ एक शेक पी रखा है, नथिंग एट ऑल, कुछ नहीं खाया हो, समझ गया। भूख भी लग रही है बट खाने को देख के खाने की इच्छा नहीं हो रही, ऐसा नहीं भूख नहीं लग रही, भूख भी लग रही है। आज के ब्लॉग में पता नहीं मैं आपको क्या दिखाने वाली हूँ, क्योंकि ना मैंने कुछ दिखाया, ना मैंने कुछ खाया, ना मैंने कुछ बनाया, पता नहीं क्या दिखाऊंगी आपको। सो गाइज, आज डिनर मैं नहीं बना रही हूँ, लुक एट कौन बना रहा है। तो डिनर बना रही है मम्मी। मम्मी ये क्या बना रहे हो? आम पन्ना। सो पहले बन रहा है आम पन्ना, भी बन रहा है आम बॉईल करके रखा है, साथ के साथ दाल बन गई है, आलू की भुजिया बन गई है, चावल बन गए हैं। सो मैं अब अपनी रोटी सेक लेती हूँ, डिनर तैयार है तो मैं जल्दी डिनर कर लेती हूँ। सो गाइज, ये है मेरा डिनर, आप देख सकते हो। सो ये है मटर पनीर की सब्जी, कल रात को मैंने बनाई थी, लास्ट व्लॉग में मैंने देखा था। तो मैं दाल बनने में अभी टाइम है, दाल उबल गई है पर तड़का नहीं लगी है, तो उसे बनने में टाइम है, तो मैंने मटर पनीर ही ले ली, साथ में थोड़ी सी आलू की भुजिया ली है जो मम्मी ने अभी फ्रेश बनाई है, मिर्च का अचार है, मेरी वेट लॉस वाली 2 रोटी है, और साथ में सैलेड है। और अभी टाइम हो रहा है 6:30 करेक्ट, शाम के 6:30 हो रहे हैं। तो बाहर जाकर देखो तो अभी बहुत तेज धूप है, बिल्कुल शाम हो रखी है, लग ही नहीं रहा कि शाम का टाइम है, बट मैं बहुत अर्ली डिनर कर रही हूँ कि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, मुझे भूख लग रही है बहुत तेज। चलो खाना खाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। गाइज, आई हैव डन माई डिनर, सी बहुत जल्दी 7 भी नहीं बचा, और जमीन इतनी गर्म हो रही है मेरे लंगे पैरों। वॉक इन माई गैलरी, वॉक कर रही हूँ। थोड़ी देर में अभी थोड़ा खा रहे हैं। एक अच्छी स्मार्ट वॉच लेनी है मुझे, एक्चुअली मेरी वो वाली वॉच का पट्टा ढूंढ गया है, अच्छी सी स्मार्ट वॉच लूंगी जिसमें ना मैं वो स्टेप्स काउंट करूंगी, और खाने के बाद, ब्रेकफास्ट के बाद, लंच के बाद 100 steps चला करूंगी, जस्ट 100 steps, स्टार्ट विथ 100 step, लेट्स डू इट गाइस, कर लेंगे हम, कर लेंगे। ये है रात का टाइम गाइस, जब मैं ले रही हूँ अपनी दवाई, ये 10 बजे का टाइम है, और इसी टाइम मैंने कुछ ऑर्डर किया है, कुछ सामान ब्लिंकिट से जो जरूरी है। देखो दिव्या लेकर आई है ना,
हमने पीछे से ही ले लिया था सामान ब्लिंकिट से, और मैंने क्या क्या मंगवाया है मैं आपको दिखाती हूँ। सो दिस इज अ शेक ऑफ कॉफ़ी शेक, ये ब्राज़ीला कॉफ़ी का है। इसमें ये कई फ्लेवर्स में है, वनीला, बटर स्कॉच। इसमें ये दिव्या के पापा के लिए मैं बनाया क्योंकि उनको रोज़ कुछ ना कुछ ठंडा चाहिए, तो ये कोल्ड कॉफ़ी टाइप्स है। साथ में अपने लिए सैनिटरी पैड, तो आप लोगों ने पूछा था कि मैं कौन सा सैनिटरी पैड यूज़ करती हूँ, तो मैं बिस्वर का एक्सेल प्लस हैवी फ्लो वाला यूज़ करती हूँ। आप ये यूज़ कर सकते हो, मेरे को काफ़ी चाहिए, और 15 पीसेस होते हैं, 100 कुछ रुपए का आता है। एंड साथ में मंगाई अपने लिए एक डार्क चॉकलेट, ये मैंने अभी खाई नहीं है बट मंगा के रखी है, क्योंकि मेरे को बिल्कुल भी वॉमिट जैसा जो मन हो रहा है ना, वो थोड़ा ठीक होगा इससे। एंड यहाँ देखो इसकी, ये देखो मस्ती चल रही है, पूरी मस्ती करने में लगी है ये। एंड साथ में मैंने दीपक जी के जो मंगाया वो फट से खोल के देखने लग गए कि क्या है ये, तो मंगाया है अब वो चेक कर रहे हैं। चलिए अब मैं ये व्लॉग यहीं ओवर करती हूँ। होप आप लोगों ने व्लॉग एंजॉय किया होगा, व्लॉग पसंद आया होगा, तो प्लीज आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर सेल्फ गाइस। प्लीज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, प्लीज कर देना यार। आप लोग के भरोसे हो मेरी दुनिया, मेरी काम सिर्फ आपके भरोसे है। तो प्लीज जाने से पहले एक लाइक और शेयर जरूर करके जाना, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब करना।